एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने अभी तक के सबसे खराब सियासी दौर से गुजर रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान ने पाक सरकार की नाक में दम करके रख दिया है। इमरान खान लगातार पाकिस्तान में तुरंत चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिलहाल चुनाव कराने के मूड में नहीं है। हालांकि अब अक्टूबर में चुनाव कराने पर फैसला लगभग ले ही लिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव हुए या फिर प्रधानमंत्री बदला गया तो पाकिस्तान का पीएम कौन होगा। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना अंदर ही अंदर एक खिचड़ी पका रही है, जिसमें पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम सबसे आगे है। यहाँ तक कि बिलावल पाकिस्तानी सेना के जनरलों के बेहद करीबी भी हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि फौज बिलावल भुट्टो को पीएम बनाना चाहती है, और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। बिलावल पिछले साल अप्रैल 2022 में सेना की मदद से ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने थे, और वो पहले कभी किसी सरकारी पद पर भी नहीं रहे। बिलावल ने साल 2018 में अचानक नेशनल असेंबली से चुनाव लड़ा था, और जब पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आई तो बिलावल पूरी दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान के लिए पैसों की मदद मांग रहे थे। एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बिलावल अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे थे। खैर, अगर पाकिस्तान के अंदर की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, उसकी शुरुआत से ही पाकिस्तानी फौज पर अच्छी पकड़ रही है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। 1970 के दशक में पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो उनके नाना थे, और यही वजह है कि उन्हें एक तरफ राजनीतिक विरासत अपने परिवार से मिली, वहीं दूसरी तरफ वो राजनीति में भी बेहद मजबूत है। और मौजूदा सरकार में भी बिलावल भुट्टो की जो पोजीशन है वो एक ताकतवर नेता के तौर पर है। इसके अलावा पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी युवा प्रधानमंत्री नहीं रहा है, और इसी के चलते पाकिस्तानी फौज बिलावल को एक भावी पीएम उम्मीदवार के रूप में देख रही है। इसकी दूसरी बड़ी वजह है कि बिलावल का भारत विरोधी रुख। आए दिन बिलावल भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बकते ही रहते हैं। We face a particularly uphill task to try and get a Kashmir into the center of the agenda at the United Nations. And whenever the issue of Kashmir is brought up, our neighboring countries strongly object, vociferously object, and they perpetuate a post-fact narrative where they try to claim that this is not a dispute for the United Nations. I think that this is a continuation in what is becoming a norm now of India's arrogance on the international stage. In August 2019, they violated international law, United Nations Security Council resolutions, and bilateral agreements between Pakistan and India when they illegally changed the disputed status of occupied Kashmir. और सेना को बिलावल का ये रूप काफी पसंद आता है। भले ही उनके परिवार पर कितने ही भ्रष्टाचार के मामले हों, लेकिन बिलावल खुद को भारत विरोधी दिखाकर पाकिस्तान में एक देशभक्त के रूप में पेश हो रहे हैं। और सेना को एक ऐसे ही नेता की जरूरत है, और यही वजह है कि बिलावल के सिर पर सेना का हाथ है।